बड़ी खबर आपको जयपुर से बताते चलें कि जल जीवन मिशन घोटाला मामला फिर से सक्रिय हो चुका है और इसमें आज पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी पहुंच सकते हैं ईडी कार्यालय। पहले भी तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान ने आपको दिखाई थी, जब महेश जोशी और कार्यालय पर छापेमारी की गई थी तब महेश जोशी ने कहा था कि जो भी कार्रवाई होगी उससे वो डरते नहीं है, विधि विशेषज्ञों के साथ पहुंच सकते हैं ईडी कार्यालय महेश जोशी। तो ईडी ने महेश जोशी को समन भेजा है क्योंकि महेश जोशी से जल जीवन मिशन घोटाला मामले को लेकर पूछताछ की जानी है। और बड़ी सूचना इस वक्त की आपको बता रहे हैं, मंत्री महेश जोशी आज ईडी कार्यालय पहुंच सकते हैं जहां पर ईडी के सवालों से रूबरू होंगे, विधि विशेषज्ञों के साथ ईडी कार्यालय पहुंच सकते हैं महेश जोशी। ये बड़ी सूचना इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। ईडी ने महेश जोशी को समन भेजा है, समन में आज क्षेत्रीय कार्यालय में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। ईडी ने जल जीवन मिशन घोटाले में पूछताछ के लिए पूर्व मंत्री को बुलाया है, साथ ही ईडी ने महेश जोशी के कारोबारी करीबियों से भी पूछताछ की है। महेश जोशी के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई थी और कई अहम दस्तावेज और बयान भी ईडी के द्वारा दर्ज किए गए हैं। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ही आज ईडी कार्यालय में पेश होना है। सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ चुके। राकेश, बड़े पैमाने पर जल जीवन मिशन को लेकर घोटाला भ्रष्टाचार सामने आया, आज बड़ी सूचना यह है कि महेश जोशी ईडी के कार्यालय पहुंच सकते हैं, क्या सूचना, क्या जानकारी से लेकर? बिल्कुल, देखिए ईडी ने समन भेजा है डॉक्टर महेश जोशी पूर्व जलदाय मंत्री को, और जिस तरीके की जो तथ्य ईडी को मिले हैं, चूंकि ईडी इस मामले में 3 बार छापे की कार्रवाई कर चुकी है और पूर्व मंत्री डॉक्टर महेश जोशी के करीबी लोग हैं, उनसे पूछताछ करने के बाद बयान भी दर्ज किए हैं जिसमें संजय बड़ाया से भी पूछताछ हुई है। इसके अलावा जो जलदाय विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं जिन्होंने टेंडर जारी किए थे, खासतौर पर श्री श्याम और गणपति ट्यूबवेल कंपनी को जिस तरीके से टेंडर आवंटित करके भुगतान किया गया है, उस संबंध में जो मंत्री महेश जोशी पूर्व मंत्री महेश जोशी से संबंधित जो सवाल हैं उन पर ईडी पूछताछ करेगी। हमने इस बारे में पूर्व मंत्री डॉक्टर महेश जोशी से बात भी की थी, उन्होंने समन मिलने की पुष्टि की है, साथ ही उन्होंने कहा है कि वो ईडी को जांच में पूरा सहयोग करेंगे और अपने साथ विधिक सलाहकार लेकर के वो ईडी कार्यालय पहुंच सकते हैं, क्योंकि विधि एक्सपर्ट से लगातार समन के बाद उनका सलाह मशवरा लेने का सिलसिला जारी है। तो आज संभावना यह है कि पूर्व मंत्री महेश जोशी आज ईडी कार्यालय पहुंच सकते हैं और ईडी के जो सवाल हैं उनके जवाब वो दे सकते हैं। बिल्कुल, महेश जोशी के बातों से और जिस तरीके से रिएक्शन सामने आ रहा है बेहद पॉजिटिव भी दिख रहे हैं वो। अब देखना है कि ईडी कार्यालय पहुंचकर किस तरीके से सवालों के जवाब उनकी ओर से पेश किए जाते हैं। आप नजर बना रखिएगा महेश, बहुत शुक्रिया आपका।